मगर आज स्कूल में पढ़ी हुई उस लकड़हारे की कहानी याद आ गई सर, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाया करता था, शेर आया, और सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था, पर वह कोई शेर नहीं होता था। एक दिन सचमुच का शेर आया। उसने तो बहुत चिल्लाया कि शेर आया, मगर उसकी मदद को तब कोई नहीं आया। वही हाल मेरा भी है आज सर। कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था, और आज मैं सच बोल रहा हूँ तो एक भी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। हालात शेर बनकर मुझे खा रहा है, मगर जमाना मेरी हालत पे मुस्कुरा रहा है। कितने दिनों के बाद दूसरे के हाथ का खाना खाऊंगा। सलाम साहब, मैं तो ये लाइफ ही भूल गया हूँ। तो हम कहाँ खाएं तेरे हाथ का खाना? साथ में नहीं खाया। कहाँ जा रहे भाई? अंदर जा रहे भैया। खा ले। अरे बाहर फुटपाथ पे ठेला लगा, वहाँ जाके खाना खाओ ना। अच्छा ये गलत समझ रहा है। अरे चमन, ये सेठ धनराज है। नाम धनराज होने से धनराज नहीं होता, पाकेट में धन का राज होना चाहिए। चलो फुटा यहाँ से। अबे ओए, तू हाथ पांव से तगड़ा तो बहुत बकवास कर रहा है, घुस के मारूंगा मैं। ओए मैं चूड़ियां पाई है ने, और पाई नहीं है तो पवा देंगे। ओए तो ऐसे कर दो, ऐसे मारा मारी नहीं कर दे, बकवास कर रहा है। अरे बेटा ये इनसे झगड़ा नहीं करते, ये अपने टीचर हैं, ये अपने को सिखा रहे हैं कि दुनिया में आदमी की नहीं उसके कपड़ों की उसकी धन की कदर होती है। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू आर ऑल्सो गुड। जय हिंद।